मेरा नाम द्रोणाचार्य शर्मा है। मैं 43 ईयर का हूँ और एक कॉर्पोरेट संस्थान में मैनेजर पोस्ट पे काम करता हूँ। पिछले कई साल से मैं लगातार टेंशन वाली लाइफ जी रहा था और मेरा वजन और मोटापा दोनों इंक्रीज हो रहा था और बीपी और शुगर भी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। तब मुझे किसी ने इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के बारे में बताया। फिर मैं इसके विशेषज्ञ मिस्टर डॉक्टर रवि शरण वर्मा जी से मिला। उन्होंने मेरा DIP डाइट अपनाने की सलाह दी। डाइट को फॉलो करना मैंने शुरू किया। सुबह नारियल पानी पीने लगा और मुझे आश्चर्य हुआ कि 3 दिन में ही मेरे स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा और मेरा एनर्जी लेवल बढ़ने लगा। मैं दूध के टोटल प्रोडक्ट दूध दही और पनीर खाना मैंने टोटल बंद कर दिया। रोटी खाना भी मैंने बंद कर दिया। आज 3 माह में मेरा वजन लगभग घटकर 83 से मेरा वेट 77 लगभग 6 किलो वजन मेरा 3 माह में घट गया और मैं खूब एनर्जी फील करने लगा हूँ। पका हुआ खाना मैंने खाना कम कर दिया। पता चल रहा है कि बिजी लाइफ स्टाइल में आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इस सबको इसे ट्राई करना चाहिए और फर्क दिखना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम कृष्णा श्रीवास्तव है। मैं 65 साल की हूँ। मैं नागपुर में रहती हूँ। मुझे पहले बहुत ज़्यादा शुगर रहती थी। बीपी और शुगर से मैं बहुत परेशान थी तब और बहुत थकान भी रहता था। कुछ काम करने का मन नहीं करता था। फिर मुझे किसी ने डॉक्टर विश्वस्वरूप के बारे में बताया। फिर उनके विशेषज्ञ श्री रवि वर्मा का पता लगा। मुझे मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप DIP डाइट लीजिए, 3 दिन में ही आपको फ़र्क पड़ेगा। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मगर मैंने सोचा चलो लेके देखते, कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं। फिर मैंने DIP डाइट लेनी शुरू की और सच में इतनी आश्चर्यजनक बात हुई कि 3 दिन में ही मुझे फ़र्क दिखने लगा। मेरी थकान, जो मुझे बहुत थकान लगती थी, वो थकान भी ख़त्म हो गई। पहले मैं 28 यूनिट इंसुलिन लेती थी, अभी वो कम होके मुश्किल से 12 यूनिट ले रही हूँ। और 2 बार मेडिसिन लेती थी, वो भी कम हो गई है और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने उनके कहे अनुसार मैंने दूध पनीर और दही और नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। और ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा मतलब सलाद और फ्रूट्स लेने लगी और पका हुआ खाना थोड़ा कम कर दिया मैंने। तो मैंने अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस किया और मुझे अब बहुत अच्छा लगने लगा और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय अग्रवाल है। मैं 43 वर्ष का हूँ और मैं एक इंडस्ट्रियल यूनिट चलाता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा वजन अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा था और धीरे धीरे बीपी शुगर शरीर में जमने लगा था। दवाओं के सेवन से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तब मुझे किसी ने इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड और इसके इलाज के बारे में जानकारी दी। फिर मैं इसके विशेषज्ञ श्री रवि वर्मा जी के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे DIP डाइट अपनाने की सलाह दी। मुझे ज़्यादा विश्वास तो नहीं हुआ, फिर भी मैंने DIP डाइट को फॉलो करना शुरू किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि 3 दिनों में मेरे शरीर में सुधार दिखने लगा और मेरी दवाओं का सेवन कम हो गया। आज 3 माह में मेरा वज़न करीब करीब 16 किलो करीब घटा है और इस समय मेरा वज़न 101 किलोग्राम है और मैं खूब फल और सलाद का सेवन कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरी उम्र 57 साल है और मुझे SLE लूपस है, जो 2014 से है।
और मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी। मुझे शरीर में बहुत दर्द रहता था, स्वेलिंग रहती थी, जो मुझे पैरासीटामोल रोज़ खाना पड़ता था, SCQS रोज़ खाना पड़ता था, और एक्विन खाना पड़ता था, स्टेरॉइड खाना पड़ता था। फिर मुझे किसी ने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में बताया, तो मैंने उनके एक्सपर्ट रवि वर्मा से सलाह ली, जो उन्होंने DIP डाइट फॉलो करने के लिए कहा, और मुझे काफ़ी उससे राहत मिली। मैं नॉनवेज छोड़ दी हूँ, मैं मिल्क फूड छोड़ दी हूँ, और फल जूस हरी सब्जियाँ खाती हूँ, सन बाथ लेती हूँ, जो मुझे काफ़ी अपनी बीमारी से लड़ने में मदद की मुझे ये सब चीज़ें, और मैं काफ़ी अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ, और धीरे धीरे मेरी सब दवाइयाँ ख़त्म हो, मतलब बंद हो गई हैं, स्टेरॉइड धीरे धीरे कम हो गए हैं, और मैं क्रॉसिंग खाना बंद कर दी हूँ, और स्टेरॉइड तो धीरे धीरे करते करते काफ़ी कम हो गया है, और मेरे ख्याल से अब मैं बंद ही कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। और इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यारी डाइट फॉलो करने से। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर राय चौधरी का और रवि वर्मा जी का, जिन्होंने मुझे ये पद्धति से मुझे ठीक किया, मुझे मेरी लाइफ को बेहतर बनाया, मुझे स्वस्थ किया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।